Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is transport layer. Transport layer is fourth layer in the OSI model, which takes the data from the application layer and pass it to the network layer. मतलब application layer से data लिया, user से data लिया और फिर pass on किया आगे network layer को. Now यहाँ पे transport layer की responsibilities के बारे में बात करते हैं. What is the role of transport layer और क्या उसकी functionalities हैं? The first and very important role of transport layer is end to end delivery of the data. Now what is end to end delivery is also known as port to port delivery. Means end to end delivery wo karti kaise hai, by using the port to port delivery. What is port to port delivery? Let's say there is a network A, some network in which there are lot of hosts are there. अलग अलग होस्ट है मेरे पास जो किसी टॉपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है. एक और नेटवर्क ले लेते हैं बी, उस नेटवर्क में भी कोई फर्दर अनदर टॉपोलॉजी है और डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है. अब यहां पे इस ए नेटवर्क में ए वन वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद बी वन, ए वन बी वन से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो मैसेज जो है सबसे पहले मैसेज, लेट्स से कि वो ए वन बी वन से कम्युनिकेट करना चाहता है. यहां पे हमने सबसे पहले बात की थी डेटा लिंक लेयर की. डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ए वन से जब मैसेज जाएगा तो सबसे पहले किस नोड पे जाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट नोड जहां पे मैसेज सबसे पहले पहुंचेगा, फिर उस नोड से नेक्स्ट कौन सी नोड है जहां पे मैसेज जाएगा, फिर उस नोड से नेक्स्ट कौन सी नोड है जहां पे मैसेज जाएगा. मतलब नोड टू नोड, होप टू होप डिलीवरी. नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ए वन, मतलब ये जो मशीन है, ये मशीन जिसको हम होस्ट भी बोलते हैं, ये सर्वर भी हो सकता है, ये कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई मोबाइल फोन हो सकता है, कोई भी डिवाइस है, कोई मशीन है, उस मशीन से इस मशीन तक मैसेज पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की. लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर उससे भी ऊपर काम कर रही है, नेटवर्क लेयर से ऊपर है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड टू एंड डिलीवरी या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी. नाउ व्हाट इज पोर्ट टू पोर्ट? हमारा जो ए वन मशीन है उस ए वन मशीन में मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकता है रन कर रही हूं. जैसे मेरे लैपटॉप में मैं वेब ब्राउजर पे काम कर रहा हूं, मल्टीपल टैब्स वहां पे ओपन है, उसमें से मैं किस टैब पे, मींस अलग अलग एप्लीकेशंस में से कौन सी एप्लीकेशन डेटा ट्रांसफर कर रही है. अब यहां पे हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है. पोर्ट नंबर्स की डिस्कशन हम फर्दर करेंगे. पोर्ट नंबर्स बेसिकली 16 डिजिट का एक नंबर है. इसमें से कुछ वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर्स होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स होते हैं. जैसे एसएमटीपी, मतलब अगर मैं अपने सिस्टम से अगर कोई मेल कर रहा हूँ, सिंपल अगर मेल कर रहा हूँ जीमेल के थ्रू, तो जीमेल जो है बैकएंड पे यूज करती है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है 25. तो यानी जब भी मेरे ऐप मेरे मशीन से वो डेटा जाएगा तो उस मशीन से किस एप्लीकेशन के थ्रू वो डेटा जा रहा है, पोर्ट नंबर 25 के थ्रू. और जब वो डेटा B1 पे पहुंचेगा, इस मशीन में पहुंच गया, इस सर्वर पे पहुंच गया, इस लैपटॉप में पहुंच गया, जहां पे भी ये मैसेज पहुंचेगा उस मशीन में भी हो सकता है मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रही हैं. अब उन मल्टीपल एप्लीकेशंस में से मेरा मैसेज किस एप्लीकेशन के पास पहुंचे फर्दर, इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर. और वो कैसे इसको एग्जीक्यूट कैसे करता है एक्चुअल में, बाय यूजिंग द पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी. मतलब मेरे मशीन से वो मैसेज गया 25 नंबर पोर्ट से, और बी वन में एप्लीकेशन, लेट से कोई एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन लेट से उसका पोर्ट नंबर है 120. आई एम जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल पोर्ट नंबर, लेट से उसका पोर्ट नंबर है 120, तो उस एप्लीकेशन के पास ही वो मैसेज पहुंचना चाहिए. ऐसा ना हो कि सारी एप्लीकेशंस वो मैसेज रिसीव कर रही हैं, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को. तो पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी और एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब एक्चुअल में ये है कि हमारी मशीन में भी कहां से वो मैसेज जा रहा है और दूसरी मशीन में किस एप्लीकेशन पे वो मैसेज रिसीव हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एंड टू एंड. क्योंकि मेरे मशीन में सबसे एंड चीज क्या है, प्रोसेस है, प्रोग्राम है. तो यानी मेरे प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक मैसेज पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है,
ट्रांसपोर्ट लेयर की, इसीलिए इसको एंड टू एंड भी बोलते हैं, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी भी बोलते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी बोलते हैं. अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो यूज करता है दो प्रोटोकॉल है जो मेजरली यूज प्रोटोकॉल है. इसके अलावा SSTP, फर्दर लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर देयर, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज प्रोटोकॉल्स हैं वो है TCP एंड UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. अब अगर मैं TCP को यूज कर रहा हूं तो यहां पे एडवांटेज क्या मिल रही है? अगर मैं नेटवर्क लेयर की बात करूं, नेटवर्क लेयर पे हमने बात की थी IP प्रोटोकॉल की. अब ये IP प्रोटोकॉल या नेटवर्क लेयर पे जब भी हम मैसेज को भेजते हैं वो मैसेज अनरिलायबल होता है, मतलब मैं उस मैसेज को विदाउट एनी गारंटी भेज रहा हूं. लेकिन अगर मैं उस मैसेज को प्रॉपर गारंटी के साथ भेजना चाहता हूं, मतलब मैं वहां पे रिलायबिलिटी को अचीव करना चाहता हूं, तो मैं उस मैसेज को TCP के थ्रू भेजूंगा. TCP यहां पे क्या प्रोवाइड करता है? रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी में क्या आता है कि अगर मैंने चार मैसेज या चार पैकेट सेंड किए हैं तो रिसीवर भी कितने पैकेट रिसीव कर रहा है? चार. और दूसरा, इसके अलावा ये क्या फॉलो करता है? इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ द मैसेज. इन ऑर्डर मतलब कि लेट से कि अगर मैंने मैसेज भेजा ABCD, सबसे पहले मैसेज भेजा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो रिसीवर भी सबसे पहले क्या रिसीव करे? ABCD. दिस इज कॉल्ड द इन ऑर्डर डिलीवरी. जैसे हमारे लैपटॉप में या हमारे सिस्टम में जब हम कीबोर्ड से बटन्स प्रेस करते हैं, लेट से मैंने कुछ भी प्रेस किया, लेट से लाइव LIVE, मैंने सबसे पहले L को प्रेस किया, I को, V को, E को. अब जब ये मैसेज मॉनिटर पे प्रिंट होगा तो इट शुड बी प्रिंटेड एज LIVE. मतलब कहने का क्या है कि हम इन ऑर्डर डिलीवरी की बात कर रहे हैं. जिस ऑर्डर में मैंने बटन्स को प्रेस किया उसी ऑर्डर में प्रिंटर ने या फिर मॉनिटर ने उसको शो किया. दैट इज कॉल्ड द इन ऑर्डर डिलीवरी लाइव. नाउ अगर यहां पे कोई भी गड़बड़ हो जाए, लेट्स से कि अगर लाइव की जगह वो कुछ आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव कर ले, तो ये हो सकता है ये प्रिंट क्या कर दे? एविल. ई सबसे पहले आ गया, फिर वी आ गया, फिर आई आ गया, फिर एल आ गया, तो जिसका मतलब जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा. तो इसीलिए मेरे को यहां पे इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ पैकेट चाहिए. और दूसरा, यहां पे लॉस ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए. लॉस ऑफ डेटा शुड नॉट बी देयर. मतलब कि मैं अगर चार पैकेट भेज रहा हूं, रास्ते में एक या दो पैकेट बीच में से मिस हो गई, तो यानी रिसीवर को पहली बात तो पता लगना चाहिए कि यहां पे मेरे पैकेट्स कुछ मिस हुए हैं, और दूसरी बात, सारे के सारे पैकेट्स वहां पे रिसीव होने चाहिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की. और अगर आप यूज करते हो TCP तो वहां पे TCP जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है. कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब वो मैसेज भेजने से पहले कनेक्शन बनाएगा, जैसे आपकी टेलीफोन की तरह. मतलब आप बात बाद में करोगे, पहले वहां पे एक कनेक्शन बनता है, कनेक्शन ओरिएंटेशन होती है. कनेक्शन ओरिएंटेशन के बाद जब वो डायल टोन होती है, डायल टोन इज अ काइंड ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेशन, उसके बाद आप बात करना स्टार्ट कर रहे हो. लेकिन जो नेटवर्क लेयर है वो एक तरह से जैसे हम पहले जो पोस्टल सर्विसेज की तरह, मतलब जैसे हम चिट्ठी वगैरह भेजते थे, तो उसमें क्या होता था, कई बार हो सकता है कि मेरा जो मैसेज जो मैंने चिट्ठी वगैरह लिखी है, कोई लेटर लिखा है, हो सकता है वो लेटर डेस्टिनेशन पे पहुंचे ना, वहां पे कुछ लॉस हो जाए, या हो सकता है आउट ऑफ ऑर्डर भी मैसेज पहुंचे. लेकिन अगर मुझे वहां पे पूरी रिलायबिलिटी चाहिए, इन ऑर्डर भी चाहिए और डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं यूज कर सकता हूं TCP. दैट इज द एडवांटेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर. अगर मेरे को नहीं चाहिए रिलायबिलिटी तो मैं नॉर्मल UDP भी यूज कर सकता हूँ. तो अगर आपका एप्लीकेशन लेयर पे हम जैसे HTTP के थ्रू हम वेब पेजेस को सेंड करते हैं, तो HTTP के थ्रू अगर वेब पेजेस को सेंड कर रहे हैं, तो अगर मुझे वहां पे रिलायबिलिटी चाहिए तो मैं TCP को यूज करूंगा ही करूंगा, बिकॉज ये कनेक्शन ओरिएंटेशन पे काम करता है. देन द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज एरर कंट्रोल. एरर कंट्रोल ये करता कैसे? चेकसम से. और एरर कंट्रोल भी कौन कर रहा है? टीसीपी. टीसीपी में हम बेसिकली यूज करते हैं यहां पे चेकसम मेथड. चेकसम जो है वो हेल्प करता है एरर्स को
मतलब एरर्स को डिटेक्ट करने में, और उसको अगर करेक्ट भी कर सकें तो वो बेस्ट है, लेकिन एटलीस्ट अगर हम एरर को डिटेक्ट भी कर लें, दैट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब एरर जो है, हमने डेटा लिंक लेयर में भी बात की थी कि हम एरर्स को डेटा लिंक लेयर में भी हम ट्राई टू डिटेक्ट, लेकिन वहां पे हम यूज करते हैं सीआरसी और यहाँ पे हम मेथड यूज करते हैं चेकसम. और ये एरर कंट्रोल एंड टू एंड में होता है, मतलब ये मैसेज जब वो जाएगा, B1 जब ये मैसेज रिसीव करेगा, तो B1 अपने एंड पे बाय यूजिंग द चेकसम वो मैच करने की कोशिश करेगा कि जो चेकसम यूजर ने भेजा है क्या वो चेकसम B1 के चेकसम से मैच कर रहा है या नहीं. मतलब B1 दोबारा कैलकुलेट करेगा उस डेटा का चेकसम, अगर वो चेकसम मैच कर गया तो यानी एरर नहीं है, अगर वो चेकसम मैच नहीं किया तो एरर है. लेकिन जो डेटा लिंक लेयर पे हम नोड टू नोड, मतलब हर एक नोड एरर को डिटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो इसीलिए हम यहां पे एरर जो है कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग द चेकसम. अनदर फंक्शनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज आफ्टर एरर कंट्रोल वी आर हैविंग कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल एज वेल एज फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल में वही मेथड्स है हमारे पास, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड SR. फ्लो कंट्रोल मतलब कि सेंडर रिसीवर को मैसेज किस स्पीड से भेज रहा है और कितने साइज के मैसेज भेज रहा है. इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे मेथड एडवर्टाइजिंग द विंडो, मतलब रिसीवर पहले ही अपनी विंडो को भेज देता है यूजर सेंडर को कि ये मेरी विंडो का साइज है. तो यानी अपने जो भी मैसेज भेज रहे हो वो मैसेज उस विंडो के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए. विंडो इज व्हाट अ काइंड ऑफ कैपेसिटी, मतलब सेंडर ने, रिसीवर ने पहले ही सेंडर को क्या बता दी, अपनी कैपेसिटी बता दी कि मेरे को इस साइज के मैसेज भेजो और इतने नंबर ऑफ मैसेजेस को भेजो. दोनों चीजें बताएगा, पहले तो एक मैसेज का साइज और दूसरा उस साइज के कितने मैसेजेस भेजे. दोनों चीजें जब वो पता लग जाएंगी तो सेंडर उसके अकॉर्डिंग ही मैसेज को भेजेगा, तो उससे क्या होगा, मेरा फ्लो जो है कंट्रोल हो जाएगा. लेकिन अगर फ्लो कंट्रोल वहां पे नहीं होता तो नेटवर्क में क्या आ सकता है, कंजेशन आ सकता है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क पे कंजेशन आता है या फिर मेरे सर्वर पे, मतलब उस मशीन में रिसीवर पे भी अगर कंजेशन आता है तो उस कंजेशन को भी रिमूव करने की कोशिश करता है या अवॉइड करने की कोशिश करता है. देयर इज अ मेथड लाइक AIMD, एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव डिक्रीज, दैट इज अ मेथड विच इज यूज टू डू द कंजेशन कंट्रोल. वी विल टेक ऑल द एल्गोरिथम्स वन बाय वन इन डिटेल्स इन दिस वीडियो. हम सिर्फ फंक्शनैलिटीज या रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर के रोल्स क्या है. यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल के बाद एक हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सेगमेंट, सेगमेंटेशन बोलते हैं इसको. मतलब जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा आता है तो उस डेटा की कुछ भी, मतलब कोई डिफाइंड लेंथ नहीं होती, मतलब डेटा कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम्स में आता है. इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग, मतलब कॉन्टिन्यूस बिट्स आ रही हैं 01 01 01 01, और उन बिट्स को मैं डायरेक्टली आगे फर्दर सेंड नहीं कर सकता, मुझे उसको प्रॉपर एक सेगमेंट में डालना पड़ता है जहां पे मुझे एक हेडर लगाना पड़ेगा और उसके साथ में डेटा होगा. तो TCP और UDP वहां पे क्या काम कर रहे हैं कि जो भी मैसेज वहां से आ रहा है ऊपर से, उस मैसेज को वो फटाफट सेगमेंट में डिवाइड कर करके नेटवर्क लेयर को आगे भेजता है. क्योंकि जो ऊपर से मैसेज आ रहा है वो कॉन्टिन्यूस आ रहा है, पूरी लगातार बिट्स आती रह रही है, तो उन बिट्स को उठा के एक सेगमेंट में डाल के नीचे भेज देंगे. फिर और बिट्स आई, उनको एक सेगमेंट में डाला और सेगमेंट्स बना बना के फर्दर नेटवर्क लेयर को वो भेजता रहेगा. दैट इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन. वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स वेन एवर द डेटा कम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, मतलब एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, मतलब मेरे लैपटॉप में मल्टीपल टैब्स ओपन है, मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, उन मल्टीपल एप्लीकेशंस में से हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशंस, सम ऑफ द एप्लीकेशंस आर सेंडिंग देयर डेटा. लेट्स से कि 4-5 एप्लीकेशंस हैं, A1, A2, A3, A4, A5, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो डेटा सेंड कर रही हैं. तो ट्रांसपोर्ट लेयर सबके लिए अलग अलग कनेक्शन नहीं बनाता, मतलब हमारा जो लैपटॉप है, हमारे लैपटॉप में कनेक्शन तो एक ही बनता है,
हम पूरे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो जब भी मल्टीपल एप्लीकेशंस डेटा भेजती हैं, अपने मैसेज भेजती हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको मल्टीप्लेक्स करके, मतलब मैनी टू वन काइंड ऑफ फंक्शन यहाँ पे काम करता है, उसको वो चैनल पे भेजता है। मतलब जो मीडिया हम यूज कर रहे हैं, जो चैनल यूज कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस का डेटा आता है और वो डेटा चैनल पे सेंड करता है। और बैकएंड मतलब रिसीवर पे क्या होगा, रिसीवर में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कॉन्टिन्यूस, लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ मैसेजेस किसी एप्लीकेशन के लिए हैं, कुछ किसी फर्दर एप्लीकेशन के लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए वो मैसेज हैं। तो यानी रिसीवर एंड पे डी मल्टीप्लेक्सिंग की तरह काम कर रहा है, मतलब वन टू मैनी फंक्शन, बिकॉज मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं एक चैनल से आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, लेकिन एक मैसेज फॉर एग्जाम्पल जीमेल का है, एक मैसेज किसी और एप्लीकेशन का है, दूसरा मैसेज किसी थर्ड एप्लीकेशन का है, तो किस किस एप्लीकेशन को वो मैसेज भेजने हैं, दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट and please subscribe my channel. Thank you.